से हटो ना प्लीज। अरे हटो, साइड में हो यार। क्या हुआ इनको? इनका एक्सीडेंट हुआ भाई साहब। कौन है ये? मैं जानता नहीं भाई साहब। ये हॉस्पिटल के सामने ना सड़क के बाहर एक्सीडेंट हुआ था। ये रोड के किनारे पड़े थे। बस मैं जल्दी जल्दी वहां से नियर बाई हॉस्पिटल यही था तो मैं यहाँ ले आया। ओहो, सिर पे चोट बहुत गहरी है। आप ऐसे करें, इनका नाम लिखवाएं, फॉर्म भरें और 1,00,000 रुपये जमा करवाएं, फिर इनका इलाज शुरू होगा। भाई साहब मैं इनको जानता नहीं हूँ। मैंने तो देखा सड़क किनारे ये एक्सीडेंट होके पड़े हैं। मैं भाग के इंसानियत के नाते इनको हॉस्पिटल में ले आया। इनके पेरेंट्स का पता करते हैं, कोई ना कोई घर वाले मिलेंगे, आएंगे, आते ही फॉर्म भी भर देंगे, आपके पैसे भी जमा हो जाएंगे। आप इलाज शुरू करवाइए प्लीज। अरे ऐसे नहीं होता भाई, पहले 1,00,000 रुपये जमा करवाओ, उसके बाद इलाज शुरू होगा। ऐसे हमारे डॉक्टर साहब मानते नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं मानेंगे यार, किसी की जिंदगी का सवाल है। कहाँ है डॉक्टर साहब? ये लो, नेक्स्ट वीक फिर दिखाना। ठीक है। डॉक्टर साहब वो एक एक्सीडेंट केस है, उसका इलाज शुरू करवाओ ना प्लीज। वो कह रहे पहले फार्म भरो, 1,00,000 रुपये जमा कराओ, फिर इलाज शुरू होगा। उसके चोट भी बहुत ज्यादा लगी है, मुझे मामला सीरियस लग रहा है सर। अरे भाई ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, पहले 1,00,000 रुपये जमा करवाएं, फिर इलाज शुरू होगा। अरे सर मैंने तो सुना था डॉक्टर भगवान का रूप होता है, डॉक्टर नई जिंदगी देता है। देखिए मैं उसे इंसानियत के नाते यहाँ तक लेके आया हूँ, आप इंसानियत के नाते उसका ट्रीटमेंट भी शुरू करिए प्लीज। अभी तो हमें ये पता ही नहीं कि वो है कौन। जैसे ही उसके पेरेंट्स का पता लगेगा वो आएंगे, उसका इलाज भी करवाएंगे, आपके पैसे भी जमा होंगे। आप एक बार ट्रीटमेंट शुरू करिए, बंदे की जान जा सकती है सर। अरे ऐसे नहीं होता, 5 साल विदेशों में पढ़ाई की है, 70,00,000 रुपये लगे हैं तब जाके डॉक्टर बनाऊं मैं। अरे 2.5-3 करोड़ रुपये तो इस बिल्डिंग पे लग गए, पहले 1,00,000 रुपये जमा करवाइए, फिर जाके इलाज शुरू होगा। ऐसे किस किस का इलाज करें? अरे पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाओ इसको। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत दूर है डॉक्टर साहब, और पेशेंट काफी सीरियस है, पता नहीं वो हॉस्पिटल तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। हाँ फर्स्ट एड इलाज शुरू कीजिए सर। यस सर। क्या देख रहे हो आप, बिना अपॉइंटमेंट अंदर कैसे आ गए ये? इसको बाहर निकालो। अरे कौन है इसके साथ पेशेंट, उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दफा करो। डॉक्टर साहब उस तो दया करिए आप, इंसानियत के नाते, आपको आपके समाज का वास्ता। अरे ज्यादा समाज सेवा आती है तो पैसे तू जमा करवा दे, चलें अब। डॉक्टर साहब आज मैं अपने मकान का मालिक बनने वाला था, पिछले 15 साल से मैं मकान की किस्तें दे रहा हूं, आज ये लास्ट किस्त थी, सोचा आज की ये लास्ट किस्त दूंगा, मकान मेरे नाम हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, जब मैंने 15 साल वेट किया है, मैं 1 महीना और रुकूंगा, मैं मकान मालिक अगले महीने बन जाऊंगा। अभी सिर्फ मेरे पास 50,000 रुपये हैं, आप ये जमा करवाइए, इलाज शुरू कीजिए। मैं पता करता हूँ कि उसके पेरेंट्स कौन है, वो आएंगे आपके बाकी 50,000 रुपये जमा करा देंगे। हाँ हाँ इतनी इंसानियत हमें भी है। ऐसा करो तुम इसको ऑपरेशन थिएटर ले जाओ, ड्रिप लगाओ और मैं आ रहा हूँ अभी।
कैसे हैं डॉक्टर साहब? खतरे से बाहर हैं, वो बच जाएंगे ना? सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप तो ठीक है ना? आज मैंने आपसे इंसानियत सीखी है। एक अनजान व्यक्ति जो सड़क किनारे पड़ा एक्सीडेंट में, उसको हॉस्पिटल तक लेके आए, आप इंसान नहीं भगवान हो भगवान। लेकिन ये आप अचानक ऐसे बदला बदला व्यवहार, समझा नहीं मैं। जिसको आप लेके आए हो वो आपके लिए अनजान हो सकती है, लेकिन मेरे तो भगवान है वो। भगवान? मैं समझा नहीं डॉक्टर साहब। वो मेरे पिताजी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे पापा की जान बचाई आज। मेरी तो चिंता ही खत्म हो गई डॉक्टर साहब। मैं उस बुजुर्ग के पेरेंट्स को ढूंढ रहा था, पता नहीं कहाँ मिलेंगे, लेकिन पता लग गया कि अब आपके पिताजी हैं। आप उनका ख्याल रखना। थैंक यू। रुको एक मिनट, आपने जो काउंटर पे 50,000 रुपए जमा करवाए थे, आपसे निवेदन है वापस ले जाए। आप बड़े डॉक्टर हो साहब, आपने विदेशों में पढ़ाई की है, 70-80 लाख रुपए लगे, 2-3 करोड़ तो आपके हॉस्पिटल में लगे। अरे 2.5-3 करोड़ रुपए तो इस बिल्डिंग पे लग गए, पहले 1 लाख रुपए जमा करवाइए फिर जाके इलाज शुरू होगा। ऐसे किस किस का इलाज करें? और आप बिना एडवांस जमा हुए इलाज भी नहीं शुरू करते। भगवान ना करे कभी किसी के इमरजेंसी हो, आपके हॉस्पिटल के आसपास कोई सीरियस पेशेंट हो, एक्सीडेंट वाला हो, और वो इलाज के लिए आ जाए और उसकी जेब में 1 लाख रुपए नहीं हो, तो वो मरे ना, उसकी जिंदगी बच जाए। इसलिए ये पैसे आप जमा रखिए, कभी कोई इस तरह का इमरजेंसी केस आए तो आप तुरंत उसका इलाज शुरू कर दें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। दोस्त शर्मिंदा मत करो, मैं घमंड में आ गया था कि मैंने विदेशों से डिग्री हासिल की है, 2-3 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाई है, लेकिन आज समझ में आ गया कि सब कुछ पैसा ही नहीं होता, इंसानियत भी कोई चीज होती है। जो आपसे सीखी है मैंने, मैं ये एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा दोस्त। हमारा इंसानियत का रिश्ता हमेशा कामयाब रहे। पता नहीं कौन किसका कब नजदीकी रिश्तेदार निकले, हमें हर एक का ख्याल रखना चाहिए।